हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम राइट। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड के रिजल्ट के बारे में। ये जैसा कि देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in, जो कि ऑनलाइन के लिए न्यू वेबसाइट बना था। तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल हो रहा है, ICG रिजल्ट फॉर CGPT 02/2021 बैच। तो अभी जो बैच था 02/2021 बैच, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक, हेयर पर क्लिक करना है और आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा डाउनलोड होके। इस PDF पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपको कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज टू, जिनका भी सिलेक्शन हुआ रहेगा, तो उनके यहाँ पे आपका डिस्प्ले करेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज टू। इस बात का ध्यान देंगे। बाद बाकी जिनका नहीं रहेगा, सारा कुछ कंडीशन यहाँ लिख दिया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट ऑफ ICG CGPT 02/2021, इस पर आपको क्लिक करना है। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं, लिंक डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ ऑफिशियली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉगिन कर लेना आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय बनाया था। तो जैसे ही आप इस पर लॉगिन कर लीजिएगा, तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सो उसी प्रकार आपके सामने वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है सिलेक्शन, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे कट ऑफ भी दिखा दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ रहे तो भी, और नहीं हुआ रहे तब भी आपका कट ऑफ मार्क्स दिखा दिया जाएगा। ध्यान देंगे, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ है। नाविक DB का अलग है, नाविक GD का अलग है, और नाविक यांत्रिक के लिए भी अलग है। यांत्रिक में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो सबके लिए अलग अलग कट ऑफ है। तो ऐसा ध्यान नहीं दीजिएगा कि इसका कट ऑफ इतना गया है। सबका पहले अलग अलग आपका पोस्ट है, पोस्ट में भी अलग अलग कैटेगरी है, उस हिसाब से आपका गया है। और इस बात का ध्यान देंगे, आपको 50% मार्क्स वहाँ स्कोर करना था, जो कि वेबसाइट पे आपको पहले ही लिखा हुआ था। अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर यह है कि जैसे ही आपका अगर शॉर्टलिस्टेड हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स से वो भी अपलोड करना रहेगा, जिसको आपको लास्ट डेट 26 मई 2021 दिया गया है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा वहाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहा जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, जितने एसेंशियल आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सबको आपको अपलोड कर देना है। तो आपको अपलोड वहाँ पर कर देना 26 तारीख से पहले। सो जल्द से जल्द रिजल्ट चेक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।